मम्मी और बताइए आपको कहाँ कहाँ जाना है। मुबारक के आपको। और ये है माशाल्लाह से हमारी तोफा फूफी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ आपका अकबर अहमदन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो सुबह का बज रहा है आपका 6 और हम जा रहे हैं अम्मी को लेकर मुदशिद बाबा रहमतुल्लाह, क्योंकि जब भी हम मौदा आते हैं तो कोशिश करते हैं कि अम्मी को जहाँ भी जाना होता है वहाँ उनको ले जाएं। तो अभी हम मिलवाते हैं अम्मी से भी, अम्मी रेडी हुई। तो ये है अम्मी। अम्मी चले तो मोदी से बाबा ले चलते हैं अभी सुबह सुबह। और सुबह सुबह कहना कि इतना भीड़ भाड़ नहीं होता, क्राउड नहीं होता, तो अम्मी को आराम से हम टहलाते टहला भी देंगे इसी बहाने, और मोदी से दुआ भी हुआ लाएंगे। लगा देता हूँ फिर हम दे। तो ये है, तो अभी हो गई हैं सुबह सुबह। हम लोग जो है ना धीरे धीरे पैदल टहलते टहलते पहुँच जाएंगे मोदी से दुआ जाए। अम्मी और बताइए आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ की ख्वाहिश है। भी तो बोला थी। और हम पहुंच गए हैं मुकर्रम बाबा यानी कि मांदा मोहल्ले के कब्रिस्तान पे। यहाँ पे अम्मी पढ़ रही है फातह अब के कब्रिस्तान पे। हम हो तो वही हम आ गए हैं अतरा मोड़ से आगे, और अभी सबसे पहले हम जाएंगे सैयद बाबा रहमतुल्लाह, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे है ना मम्मी। और मौदहा में ठंडक की सुबह का तो मतलब कि अलग ही नज़ारे हैं, सब लोग अपने काम पे जा रहे हैं, सुहाना सा मौसम। और हम पहुंच गए हैं सैयद बाबा रहमतुल्लाह की दरगाह पे जो पड़ता है स्टेशन रोड पे। मैंने साल हटा दी क्योंकि पैदल चलने में कहना कि थोड़ा सा फिर गर्म लगने लगता है। तो हमारा सैयद बाबा में हमने ज़्यारत कर ली है और अभी जा रहे हैं, अब सीधे हम रंगड़ी पीर बाबा फिर निकलेंगे मुझे सिर बाबा के लिए। तो धीरे धीरे ये सफ़र हमारा है थोड़ी देर का। सलामकुम, ये हमारी भाभी है। बढ़िया बढ़िया मौदहा एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे आपको अल्लाह के वली सबसे ज्यादा मिलेंगे। हर 300 मीटर पे, हर 500 मीटर पे अल्लाह के वली यहाँ पे आराम फरमा है। इसलिए मौदहा को बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह ने अमन की बस्ती कहा है कि जब हर जगह तूफान आंधी बीमारी होंगी उसके बाद मौदहा में टच करके निकलेगा। एंड अभी हम जा रहे हैं मोदी शहीद बाबा रहमतुल्लाह जो है आपका मौदहा के कज़ियाना मोहल्ले में। हम पहुंच गए दरगाह में और यहाँ पे मानना है कि आँख से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है तो पानी के डालने से आँखों में शिफा मिलती है। तेरी राहों में जो ये और सुबह में तबरुक में मिल गई है चाय हमें और अम्मी को, तो हम चाय पी रहे हैं। मुबारक के आपके कदमों से सहरा बन गया गुलशन। मुबारक के आपके कदमों से सहरा बन गया गुलशन। करम की बात क्या कहना मेरे मोदी सैयद बाबा। करम की बात क्या कहना मेरे मोदी सैयद बाबा। आपके कदमों से सहन। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी माशाल्लाह से नाते पाक पढ़ रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह से ज़्यारत कर ली और बहुत अच्छा लगा। किसी भी आप दरगाह वली पे जाएंगे तो बहुत सुकून मिलता है। हाँ।
हम आ गए हैं आपको मधुशर बाबा से, फिर उसके बाद हम अपनी रिजवाना बड़ी अम्मी के यहाँ चले गए। वहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता हो गया, तो वहाँ से सीधा अम्मी के आँख में दवा डालनी थी, तो फिर हम सीधा ये रिक्शा लिया और घर आ गए। और अगर शादी के बाद हम चले गए थे बांगा मोहल्ला, वहाँ पे हम तो पप्पू पे यहाँ गए थे, शानू भाई के यहाँ गए थे, तो जिसका ये आगे देखिए। चलिए कादिर भाई, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फिर मुलाकात। और ये है आपकी कादिर की महारानी और ये है महाराजा भाई। आ गए हम बांगा मोहल्ला, ये हमारे राजू भाई हैं और राजू भाई ने हमको बचपन से देखा है ना राजू भाई? बचपन से देखा है। और सब बढ़िया? बढ़िया। चलिए बढ़िया बढ़िया, अल्लाह जो आपको ऐसे ही कामयाब करे। आ गए हम शानू भाई के यहाँ, देखिए शानू भाई हैं। तो भाई हम आ गए हैं आपका शानू भाई के यहाँ, यानी कि लाला मालिक साहब के। वैसे लाला मालिक पूरा मौदा बोलते, लेकिन ये ना क्या कि लाला मालिक बोले, लाला मालिक साहब के यहाँ हमारी हुस्न फुप्पी का भी घर है। तो हम आ गए हैं हुस्न फुप्पी के यहाँ शानू भाई से मिलने। और दिन में था आपका, हकीकत दिन में नहीं आया क्योंकि हम शादी में थे और शादी थोड़ा सा लेट हो गई थी, उसकी वजह से। आपने जो पिछला वाला ब्लॉग देखा तो बस हमने कहा कि दाल चना तो नहीं खाएंगे, बल्कि मौदा का बहुत फेमस दाल चना है, हमने कहा थोड़ा सा जर्दा चल जाएगा। तो शानू भाई के हैं जर्दा लाने। वालेकुम अस्सलाम, और बताएं हजरत क्या हाल है? मस्त हैं, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे एक ठंडक में जो था हमारा गला और थोड़ा डाउन हो जाएगा। मौदहा का बहुत फेमस जर्दा, जो सिर्फ ऐसा जर्दा जो है ना सिर्फ और सिर्फ मौदहा में ही बनता और कहीं नहीं बनता। भाई शानू भाई के यहाँ से हम आ गए हैं अपनी तोहफा पुप्पी के यहाँ, और ये है माशाल्लाह से हमारी तोहफा फुप्पी। और इतनी बार, एक बार व्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे कई बार मतलब बोली जहाँ भी कि आना ना घर, और हर बार ऐसा होता है कि हम आते हैं कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो फाइनली आज जो है मौका मिल गया है कि हम जो है तो आ जाए। नहीं सर जी की मुलाकात हो गई तो मैं आ गया, क्योंकि मेरे जहन में नहीं था। फिर यहाँ पे शानू भाई के यहाँ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मन का तोहफा फुप्पी का, हाँ आज जो है तो ही आऊँ। अम्मी, हाँ अम्मी ठीक है, अम्मी के भाई ये भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? बहुत बढ़िया जो है। हैप्पी बर्थडे। तो भाई का बर्थडे भी है आपका, क्योंकि अभी खाना ना, ये सब कुछ नहीं, मैं जो है ना, अरे बाप रे, नहीं नहीं ये सब नहीं, बस थोड़ा सा जो है। पहली बार बुलाए बुलाए जाने कहाँ से, पकड़ मांगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ पकड़े, ऐसा कुछ नहीं है का नाम से। हाँ अब यह है ना कि आप जैसे मिलो इनका, हाँ जिन्हो, फिर दिमाग से बात जो है तो निकल गए, तो एक हमारे नहीं आ पाओ। लंका के छोड़ में तुम लोग रहा थे आवाज, हाँ लंका के छोड़ मक्का है, यहाँ से आलतरा मोड़ बहुत दूरी है का। हाँ फूफी फूफी कराती है, भौजाई का देखे तक नहीं आती है। हाँ सही है, शादी से वली मामा का तो जब से नहीं। हाँ, तो आप चाहिए ना, एक दिन आई है मौदा है ना। हाँ मौदा है, आप फिर जब आई है, जब हम मिलवे, फिर जब चली जाये तो फिर कल मगर तो तारा ला गया है। तो रहान साहब जादे माशाल्लाह से, ये हमारा रहान है। रहान अरु हजु बाबू, अरु 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 बच्चा, अरु क्या से देख रहे हो? सुनो वालेकुम सलाम, क्या तुम्हें आपके व्लॉग देखती हूँ? थैंक यू। हमारी मामी ठीक है? ये तो बोल दीजिए इनसे, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। बोलो ना, पूरा बोलती हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधा बोलो, वोट किसको देगी? वोट किसको दोगी? श्रीनाथ को। श्रीनाथ जीतेगा, श्रीनाथ जीतेगा। देखो कितना सारा, बस थोड़ा सा ये हो गया कि हम खा पी सब आए एकदम अच्छे से माशाल्लाह। पहली बार आवा ना, पहली बार आवा जाने कहाँ से, आज पकड़ मांगा। यहाँ से निकलते हैं और फुप्पी से भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हो गई है माशाल्लाह से, और सब घर वालों से तो अच्छा लगा। चलिए सबको अच्छा हाफिज। आपका नाम क्या है? आप बताइए अपना नाम। अपना नाम बताओ। लीबा फैम। लीबा फैम, लीबा भांजी का भी नाम है। जोर से बोलो, शेयर करें, मीटिंग बोल दो। जोर से बोलो। बाय 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 सबको, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो भाई यहाँ पे हमारे कुठारी भाई मिल गए हैं। बना तो चलेंगे भाई को। हाँ चलो भाई, कुठारी भाई के साथ चलते हैं। मौदहा की सड़कों पे हम जा रहे हैं कुठारी भाई के साथ में, और कुठारी भाई हमको छोड़ देंगे हमारे घर पे। भाई आ गए घर पे माशाल्लाह से, और लाइट बंद है, सिर्फ आपकी दो लाइट चल रही हैं। बस बढ़िया भाई। अभी हम चलते हैं छत पे अपने प्लांट्स दिखाने। तो एक पानी ले लिए हैं पेड़ों में डालने के लिए। बस भाई की चप्पल पहन लेते हैं। गेंदा कब निकल आया पता ही नहीं चला। माशाल्लाह से जो है ना ये एलोवेरा भी लग गया। चलो अल्लाह का शुक्र है यार, इसके लिए बड़ी मेहनत करी गई है। फाइनली इसमें दो चार पचीके भी निकल आए हैं, और इसमें पानी की जरूरत, पेड़ हल्का भी हो जाएगा और नई कलियां भी नहीं, तो कितना फूल अभी भी खिल रहे हैं। हमको पेड़ों का बहुत ज्यादा शौक है। मैं रहता हूँ तो मैं सब हटाते रहता हूँ,
से पूरा जो है ये सब इनमें जो है ना हम ये पानी डाल लें, क्योंकि ये देखिए इसका भी मैंने ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सही कर दिया है। ये डाल देते हैं, ये पता नहीं हमारा एलोवेरा तो माशाल्लाह। ये ट्रेन के बाद सुनाई दे रही है हमारी छत से, और जहाँ कल शादी थी वो सामने जो ऊपर एकदम बिल्कुल है ना तीन खंड का, वहाँ पे शादी थी, वहाँ से हमारा घर भी दिख रहा था। और वो सामने ट्रेन देखो, माल गाड़ी है, देखो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। एंड हमारे घर के पीछे ये हमारा अर्तरा का ये जो देख रहे हैं, ये हमारा मेन रोड है अर्तरा का। ये जो रोड है ये सीधा अर्तरा जाता है, ये रोड आपका कनेक्ट होता है सीधे जाके अर्तरा चौराहा। ये देखिएगा आने वाले 5-10 सालों में ये जितना आपको दिख रहा है कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जो ये महुआ का पेड़ सामने दिखाई दे रहा है, ये देखो बीच से रास्ता है, उधर पूरा प्लाटिंग पूरे घर बनते जा रहे हैं। ये सामने आपका गेस्ट हाउस बन गया है, आर्या पैलेस सामने ये भी है आपका गेस्ट हाउस है। सो गाइस ये था हमारा पूरा बांगा मोहल्ला से लेकर आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो भाई इसे लाइक करें, कमेंट करें, एंड ऑफ कोर्स आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। बाकी और बताइए अगर आप मोदाह से तो मोदाह के कौन से ब्लॉग चाहिए। बाकी दिल्ली के भी ब्लॉग यार प्लीज़ देखिए, आप दिल्ली के नहीं देख रहे, पूरी मोदाह की जनता मेरे दिल्ली के ब्लॉग नहीं देख रही है, इस बात से मुझे थोड़ी सी नाराज़गी है। तो देखिए एंड बस नया ब्लॉग आने वाला है इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।